अब ये यंत्र तेरी यादें मुझे दिखा के तुझे भी खत्म कर देगा वीर नंदा। अरे पर तू तो अधमरा है। अब मेरे पास उतना ही वक्त है जितने वक्त में मैं तेरी यादें तुझसे निचोड़ सकूं। इस प्लैनेट पे सारे विलन्स रहता है। एक मिनट विलन्स मींस असुर, राइट? जब देवता ने उन्हें इस वर्ल्ड से निकाल दिया था तो वो अपने गुरु शुक्राचार्य के पास गए थे। शुक्र मींस अलोमा, मैं उसी गली में तुम्हारा इंतजार करूंगा। मुझे तुमसे मिलना है अभी। ये रॉकी पक्का कुछ प्लान कर रहा है। I've got to find out। ऐसे ये जा कहाँ रहा है? असुरी तकनीक कभी विफल नहीं हो सकती। क्या हो रहा है इसकी यादों के साथ? पटकल की यादें टूटी फूटी थी क्योंकि वो बीमार था, लेकिन इस वीर नंदा की यादें तो खंडित हैं। इससे तो मैं कुछ जान नहीं पाऊंगा। ऐसा कैसे हो रहा है? कौन कर रहा है ये सब? स्मृति निष्कासक यंत्र जो यादों को पढ़ लेता है, आज उसका ये हाशिया। कौन कर रहा है? कौन है यहां? इसकी शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है। अगर ये मर गया तो ना तो मैं पहली कौशल जा पाऊंगा, ना ही उसे कोठी छोड़ तक पहुंच पाऊंगा। मेरे पास समय बहुत कम है। हो गया रॉकी। रॉकी
बहुत जल्दी थी मुझसे मिलने की। बताओ क्या खुशखबरी है? खुशखबरी गई तेल लेने, बट मैंने कोशिश की थी कि रॉकी कहाँ गए बूबी? हेलो टेंटिकल्स। अरे यार इसका अलग ही चल रहा है। ओह गॉड, वो क्या था? यहाँ तो कुछ भी नहीं है, फिर वो साया या जो कुछ भी था वो कहाँ गया? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जरूरत से ज्यादा जिज्ञासा सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। क्यूरियोसिटी किल द कैट बेबी। जल्दी इसे अपने दिए हुए विष का काट देना होगा वरना ये नहीं बचेगा। विष संख्या 1326 का तोड़ निकाली है। तोड़ देने के बाद भी इसकी हालत नहीं सुधर रही। मैं तुझे मरने नहीं दूंगा वीर नंदा। अभी मुझे तेरी जरूरत है। अब तुम्हें पता चलेगा कि असुरी और लोमा पे जासूसी करने का अंजाम क्या होता है। बेवकूफ लड़के, अपने शिकंजे में पीसकर तुम्हारे प्राण निकाल दूंगी मैं। मूर्ख मानव, मेरी मर्जी के बगैर तुम मर भी नहीं सकता। उठना होगा तुझे। चला। चला।
अलोमा 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 प्लीज छोड़ छोड़ दो उसको छोड़ दो, वो मेरे फिल्म की हीरोइन है अलोमा। ये तुम्हारा पीछा कर रही थी। मेरा पीछा नहीं कर रही होगी, उसने मुझे यहाँ आते हुए देख लिया होगा, मुझसे मिलने आई होगी। आई एम टेलिंग यू वो हार्मलेस है, प्लीज। वही लड़की है ना जो वीडियो में कह रही थी कि इसे हीरो से मिलना है। हाँ, वो ये मुझे भी यही लगा था कि मुझे शक हुआ था कि हीरो से मिल चुकी है, मैंने पूछताछ की बट आई वाज रॉन्ग, वो नहीं मिली है हीरो से। तुम इतना यकीन से कैसे कह सकते हो? बिकॉज वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, अगर वो मिली होती तो पूरी इंडिया को बता दी थी, पिक लाइव पे डाल दी थी। अलोमा वो मर जाएगी। जारा, कभी कभी बकवास बातों से भी कुछ काम की बात निकल आती। जारा, अच्छा हुआ तुमने मुझे इसे मारने से रोक लिया, ये जिंदा रहेगी तो हमारे काम आएगी, अब ये चारा बनेगी और इसे खाने जब हीरो आएगा तो हमारी जाल में पकड़ा जाएगा। नंदा चल उठ। पापा कहाँ गए? पापा, पापा, वीर, आप मुझे छोड़कर मत जाइएगा पापा, आपको याद नहीं आई मेरी? सॉरी वीर, मुझे ऐसे अचानक जाना पड़ा। जब हम साथ थे ना बेटा, तब हम पर हमला हुआ था जिसमें तुम घायल हो गए, मैं किसी तरह बचाकर तुम्हें यहाँ ले आया ताकि तुम सेफ रहो। कोई मेरी जान के पीछे है बेटा, और मेरी वजह से तुम खतरे में आ जाओ ये मैं कभी नहीं चाहता। बेटा मैं तुमसे कल मिलूंगा रात 9 बजे स्टार टावर की दूसरी गली में। अपना ख्याल रखना बेटा। किसी खतरे में है, मेरी कट फीलिंग बिल्कुल सही थी, मुझे पापा को बचाना होगा। मैं पापा को रिंग रिंग पर जब तक तू मेरे साथ है तब तक मुझे कोई डर नहीं। मैं पापा को कुछ नहीं होने दूंगा क्योंकि उनका हीरो अब सच में हीरो है। जैसे ही पापा मुझे मिलेंगे मैं उन्हें तुमसे मिलवाऊंगा। मेरी ताकत, मेरा बॉडीगार्ड, मेरी प्यारी रिंग।
अंगूठी चोर तक पहुंचने की मेरी चाबी है तू वीर नंदा, इसलिए मौत के मुंह से खींच कर लाया हूं तुझे मैं। अब जब मैं तुझे तकलीफ नहीं दे सकता तो मुझे कोई और रास्ता ढूंढना होगा ताकि तू इस पहेली को सुलझा सके। ये देख यार कितना क्लासी कवर है। अरे क्लासी छोड़ तू, ये देख कितना ट्रेंडिंग है ना। नाइस यार, ये क्या कर रहे हो भैया आप? अपने एंग्री बर्ड्स के टैलेंट को शो ऑफ कर रहा हूँ। अच्छा, इतनी सारी ट्रॉफीज, इतनी सारी सर्टिफिकेट्स, इतने सारे मेडल्स, सबको पता होना चाहिए कि वीर नंदा की बहनें कितनी टैलेंटेड है, हर फील्ड में टॉपर। सबको मतलब किसे पता चलवाना है भैया? कोई आ रहा है क्या घर पे? है कुछ, लेकिन अगर सरप्राइज पहले से पता चल जाएगा तो उसका मजा खराब हो जाएगा, इसलिए हैव पेशेंस मेरी एंग्री बर्ड्स। इनकी चाल ढाल कुछ बदली हुई नहीं लग रही आज। कुछ तो खिचड़ी पक रही है। क्या तू? हाँ बे, अंकल से, पापा से मिला तो मेरा बे। बाजे! यार कमाल हो गया यार, मेरे गले में अगर मोतियों के माला होते ना तो मैं तेरे ऊपर डाल देता, लेकिन इसी बात पे गले लगाते मेरे यार। तू खुद सोच मंडू, कल मैं पापा से मिल रहा हूँ, फिर उन्हें घर लेकर आऊंगा, उनसे मिलके स्वीटी बेटी कितनी खुश होंगी। अरे ये बात एक नंबर ब्रो, एक नंबर। एक बात बता, नंदा सीनियर वैसे लग कैसे रहे? As handsome as वीर, हाँ? जैसा मुझे याद है बिल्कुल वैसे ही। In fact, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे उनकी एज ही नहीं बढ़ी। क्या बात कर रहा है? और वो भी बिल्कुल नहीं बदले। अरे यार मैं तो वेट कर रहा हूँ कि कब अंकल घर पे आएंगे, हमारे सालों के टेंशन गम सब खत्म। मुझसे भी और इंतजार नहीं हो रहा है बंटू। हाँ समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। आपका लड़का जवान जो हो रहा है वो क्या है ना, पहले बजेगी तेरी शहनाई फिर बजेगा तेरा बैंड। आओ क्या? ओ मेरे नादान परिंदे, अंकल जैसे घर पर आएंगे पा, 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 पा। वो जाएंगे ना जारा के घर पे तेरा रिश्ता लेकर, हाँ, और तब वो बनेगी तेरी TBGF से, मतलब बोल दो टू बी गर्लफ्रेंड से WFL, वाइफ फॉर लाइफ। जारा को वीर में कहाँ इंटरेस्ट? तो हीरो में तो है ना, तो तुम्हें ना उसको एज हीरो। नहीं यार, हीरो बनकर नहीं, वीर बनकर। अरे हीरो बनकर मिलने में प्रॉब्लम क्या है, तू ही तो हीरो है। हाँ हूँ, पर वो फीलिंग अलग है, अंदर से तो वीर ही हो ना। जारा जब हीरो से मिलती है कितनी खुश होती है, कितनी सारी बातें करती है, कितना मुस्कुराती है, कितना कुछ शेयर करती है उसके साथ, बिल्कुल वैसा ही चाहिए यार। ऐसा मोमेंट जिसमें ऐसा लगता है कि दुनिया से दूर बस दो लोग मिल रहे हैं, समझ रहा है ना? इनफैक्ट मैं तो सोच रहा हूँ कि वीर अमल नंदा इस बार जाके जारा से अपने दिल की बात बोल ही डाले। केदार मैं तो बोलता हूँ तेरे दिल के अंदर जो जो है ना वो उल्टी कर दे, जा जारा से मिल और बोल जारा आई लव यू। अरे फिर देख लेंगे जो होना है। कमाल हो गया बच्चे। भैया आपके रूम में कौन से कर्टन? बंटू भैया कहाँ है? जारा को जौन सा भी कलर पसंद है ना वो वाला लगा देना, क्योंकि क्या है ना जारा यहाँ आते जाते रहेगी। क्यों? क्योंकि अपना हीरो जो है ना जारा को अपने दिल की बात बताने वाला है। तभी भैया इतने खुश हैं, अब तो स्पेशल डेट की स्पेशली तैयारी होनी चाहिए। लेट्स गो। पापा ने सालों तुम पे रिसर्च करी है, जस्ट इमेजिन तुम्हें देखकर वो कितना खुश होंगे। भैया ने पहली बार हिम्मत करी है स्वीटी, तुझे क्या लगता है जारा का रिएक्शन क्या होगा? अरे इसमें लगना क्या है, जारा तो भैया से ऑलरेडी। ये देख देख, पहली बार किसी लड़की को प्रपोज करने जा रहे हैं और वो भी ये
सौ साल पुरानी जीन्स में कुछ क्लासी और ट्रेंडी सा नहीं होना चाहिए। हाँ यार चेंज कर उसको। हाँ चेंज करते हैं। अब ठीक है। नाइस आफ्टर ऑल मेरी चॉइस काम आई है। चल अच्छा बाबा तेरी चॉइस अब ठीक है अब चल। फिर से वही फीलिंग। नहीं नहीं वीर तू ना ओवरथिंक कर रहा है। फोकस फोकस। इतना भी बड़ा थोड़ा कोई काम है। पहले टीम में जाना है जारा से मिलना और सीधा अपने दिल की बात कह देनी है। नो डिस्ट्रैक्शन बस मैं और सारा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.